मेरे को लगा अंदर से जीप निकलेगी अभी ऐसा और ऐसा घूम जाएगी, होने का विलन मारते पहले पूरे फंसे जेस्ट लेकर। आखिर में बस ये डायलॉग नहीं आना चाहिए मेरे मुंह से, सॉरी टू से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुरानी वाली बुलेट जैसी ये है वो वापस आ जाए। अब उसको लाने के लिए दो ही काम हो सकते हैं, एक तो मैं यहाँ पे जाऊँ और रैप निकलवा दूँ नासिक के अंदर कहीं, या फिर मैं जाऊँ सीकर, या फिर मैं जाऊँ मुंबई, या फिर मैं जाऊँ पुणे। अभी क्या हो रहा है कि भाई एक दो जगह मैं गया टाकली रोड पे इधर उधर दिखाने के लिए, जो छोटे मोटे गैरेज है बुलेट का काम करते हैं, एक्सेसरीज वगैरह डालते हैं, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। मैं गया भी हूँ वहाँ पे, बहुत बड़ा शोरूम खोला एक पीछे साइड, उसने बोला यार ये रैप है। पहले तो वो देखते कन्फ्यूज़ हो गए कि रैप है कि कलर है, क्योंकि भाई जो नट बोल्ट तक है ना उसके भी चारों ओर जो कट मारा है ना अपने सिकर वाले भाई ने, इतना तगड़ा कट मारा है कि कोई पहचान ही नहीं पा रहा कि रैप है कि कलर है। प्लान चल रहा है लद्दाख का, घर से परमिशन नहीं मिल रही है इस साल, नहीं मिल रही है, फिर भी घर वालों ने मेरे ऊपर छोड़ दिया, देख भाई तेरे ऊपर है। लेकिन घर वाले बोल रहे हैं इस साल मत जा, पता नहीं क्यों ऐसा। अभी थोड़ा सा जैसे घर वालों ने बोला इस साल मत जा तो 50-50 हो रहा है, अभी भी चांस है कि इस महीने में जुलाई में जाके आ जाऊँ, देखते हैं अभी क्या होता है। प्लान मतलब सोच रहा हूँ कि सामने वाला बंदा जाने के लिए तैयार है, दिल्ली से बंदा जाने के लिए तैयार है, राजस्थान से एक बंदा है वो जाने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा ही कहानी अटकी पड़ी। ये तो बोल रहे कि अभी 5 दिन में निकल जा भाई रेडी होगी, साथ में किसी को लेके जाऊंगा तो वो भी बोलेगा ना भाई कि यार चल सीकर तो अपन आ गए, सीकर में काम हो गए, लेकिन घूमने का क्या, थोड़ा सा कुछ नई चीज़ें तो वहाँ से जैसलमेर जा सकते हैं। लेकिन ये वही चीज़ें होगी जहाँ पर मैं जा चुका हूँ, इसलिए मेरी इच्छा नहीं हो रही कि ऐसी जगह जाना है मुझे जहाँ पर मैं गया नहीं हूँ इंडिया में। गाड़ी के टायर डालने की वीडियो देखी थी आप लोगों ने यार, टायर बहुत जबरदस्त डले हैं यार कसम से। कौन सी बारिश आ रही है, लंदन थोड़ी जा रहे हम लोग। लंदन थोड़ी जा रहे, तो यहाँ से जा रहे भाई हम लोग वाड़ीवाड़ा। वाड़ीवाड़ा में खाने जा रहे हैं हम लोग मिसल। सैटरडे का दिन है तो संडे को जो अपनी पार्टी रहती है वो होने वाली है सैटरडे को। कुल मिला के बात ये है, निकले भाई थोड़ा लेट हो गए 8:30-9 बजे, एकदम गरम गरम मिसल मिलती है, लेकिन कोई नया ठिकाना मालूम पड़ा। पटेल भाई ने स्टेटस डाला था, बोले तो चले उधर ही जाके आते, वैक्सीन सेंटर, यहाँ पे लोगों की कतार वैक्सीन लगाने के लिए, और हम इंतजार कर रहे हैं पुतिन भाई साहब का कब आएंगे। भैया अपना जॉइंट अकाउंट, हर संडे को इसमें से 1000 रुपए निकलते हैं पार्टी के लिए। शिंदे को मैसेज आया होगा 1000 रुपए। अप्पा भाऊ मैसेज आला क्या तुला 1000 रुपए का? 1000 की पार्टी है ना आज संडे को जो होने वाली थी। बारका का ब्रिज चढ़ा था, पुलिस वाले खड़े थे वहाँ पे, एक पुलिस वाला मेरे को लगातार देख रहा था भाई, मेरे हेलमेट को पहचान लिया उसने लगता है। जो पुलिस वाले थे उनमें से कोई ना कोई तो मेरे को किसी ना किसी दिन टकराएगा। तो ये ना वो वीडियो बना के डाला तूने, होटल ग्रीन चिली, अपने मेक माय ट्रिप के जो भाई है उसने एक स्टेटस डाला था, स्टेटस पे भी हम चले आते हैं, बताओ यार कुछ तो इज्जत करो यार। बंद है क्या? चालू है लग रहा मेरे को, पर पहला कस्टमर हम ही है भाई। आओ आओ ठाकुर, मिसल है, कहीं ऐसा ना हो जाए खा के तो हम चले जाएं, लास्ट में ये पता चले कि बुरे फंसे जेस्ट लेकर। आखिर में बस ये डायलॉग नहीं आना चाहिए मेरे मुंह से, सॉरी टू से। लेकिन अभी वो मैंने तो बेगर तरी मंगाया, भाई ने तरी मंगाया, देखते खाने के बाद क्या होगा, कल परसों तक कौन चीतड़े उड़ाता जाता है। किसके बम और पटाखे ज्यादा फटेंगे ये तो वक्त बताएगा। स्टेटस डाला भाई, खाने का डाला ना तो बस काम खत्म है फिर। बहुत है नासिक में तो, बहुत है यार। मैं बोला थोड़ा फोटो अच्छी लग रही थी। बाद में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। वो डिजाइन जो सजाने का स्टाइल है वो तो अच्छा लग रहा है मेरे को। ये शेव चीज जितनी भी कैसी भी हो लेकिन थोड़ा सा स्वाद तब बढ़ जाता है जब वो चीज मिट्टी के इसमें हो, समझ रहे हो आप। अब इसको या तो तुम कोई फॉर्मूला मान लो, कोई ना कोई टेक्निक है
सामने वाले के माइंड में माइंड सेट हो जाता है, मिट्टी के इसमें है ना टेस्टी हो, कुल मिला के टेस्ट अच्छा है। सुबह कुछ नहीं खाया ना? दो पेट भर गया। अच्छा था पटेल भाई, अच्छा था, नहीं तो जर्मनी भेजा होता तुमने हमको। हमको थाईलैंड भेजने वाला कौन? हमने बोला हमको दुबई जाना है, नहीं बोले थे थाईलैंड भेजूंगा। लास्ट में थोड़ी मिठाई भी है भाई। भाई अगर इस हाईवे पे आ रहे हो जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा, खा सकते हो बिंदास, अच्छा है, 10 में से 6। एक लीटर भी नहीं आया देखना, 0.95। नहीं माना अन्न नहीं मनाएचा, माना तंबी मनाएचा। 105 हो गया, रुकेगा नहीं रुकेगा? नहीं, मेरे को लगा अंदर से जीप निकलेगी अभी ऐसा और ऐसा घूम जाएगी, ऐसा जीप घूम जाएगी और पीछे से तलवार निकलेगी। ऐसा काम कर रहे, 100 रुपए में एक लीटर भी नहीं आया ना यार, क्या राइड करेंगे भाई। कलर अच्छा लग रहा है यार, इतना भी खराब नहीं हुआ, अच्छा लग रहा है, थोड़ा रहने दो इसको, करूंगा मैं आराम से करूंगा, एकदम गाई मत करो, थोड़ा ठीक है चलने दो। राइड करके आ गए हम लोग, खा पी के आ गए। लद्दाख का ऐसा सीन हो रहा है अभी, मेरे को जस्ट इन्फॉर्मेशन मिली, लद्दाख में बाइकर्स को रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, पहली जगह पर खड़े होकर टेस्ट किया जा रहा है कोविड का, इवन कुछ जगहों पर जाने भी नहीं दिया जा रहा है, पेट्रोल तक ले जाने नहीं दिया जा रहा है कहीं कहीं। अभी वो लोग यूट्यूब चैनल्स देखते रहते हैं बाकी सब लोगों के, जो मतलब जो लोग जाते रहते हैं उनके चैनल मतलब अपडेट होता रहता है, और पेट्रोल भी नहीं लेके जाने दे रहे हैं कैंस के अंदर। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम वाले आदमी के लिए, यानी कि मैं पहली बार लद्दाख जाऊँगा भाई बुलेट लेके, तो जो पहली बार आदमी जा रहा है ये तो भाई 10-20 बार जो जा चुके हैं लोग हर साल जाते हैं, उनके लिए तो ईजी है समझना कि भाई कहाँ रुकना है कहाँ नहीं। अभी मैंने इतना भी सुना है कि सरचू में नहीं रुकना चाहिए, बहुत ही हाइटेड है सरचू, वहाँ पे रुकेंगे तो भाई मतलब ऑक्सीजन की कमी दिक्कत हो जाएगी ये वो। अभी मेरी बॉडी इस हालत में है कि नहीं कि मैं लद्दाख कर पाऊँ, वो भी एक सीन है। फिर बुलेट का, फिर बुलेट के रैप का, तो भैया बहुत सारी चीज़ें हो गई और उसमें अपन की राइड भी हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो हम लोग सोचे कि लद्दाख को छोड़ के और कहीं राइड का अपन प्लान करें इस साल, और नेक्स्ट ईयर का हम लोग प्रिपरेशन अभी से माइंड में रखेंगे तो जाएंगे। अभी उम्मीद करते हैं 2021-2020 में सोचा था अच्छा करेंगे, नहीं हुआ, 21 में सोचा अच्छा करेंगे, नहीं हो रहा है, 22 में सोचते हैं कि दुनिया सुधर जाएगी, कोरोना वोरोना साइड हो जाएगा तो अपन अपना लद्दाख पॉसिबल करेंगे। देखो लद्दाख तो पॉसिबल करना ही है, फर्स्ट टाइम तो जाना ही है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं ऐसा जाना चाहता हूँ कि वहाँ पे पीपल्स लोग आए दुनिया भर से, देश भर से फॉरनर्स तक मिलते हैं वहाँ पे। इस बार तो कोई भी नहीं है भाई, सन्नाटा है पूरा, सिर्फ बाइकर्स जा रहे हैं, और वो भी जा रहे हैं तो बोल रहे हैं भाई बहुत हार्ड है क्योंकि कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, धूल मिट्टी बहुत कुछ है, और मेरे को अच्छे से मालूम भी नहीं है। बस हम लोग जब देखते हैं वो अलग होता है, जब हम लोग ऑन ग्राउंड उतरते हैं तो वो सीन अलग होता है। तो अभी जो दिल्ली में मेरा बंदा है उसको मैं विनय भाई एक करके है, जो मेरे को बस में मिला था जब मैं अमृतसर से दिल्ली जा रहा था, वही लड़का मेरे को बोल रहा है कि भाई चलना है चलना है, और सबसे बड़ी बात बोलूँ भाई स्कूटी पर आना चाहता है, स्कूटी पर लद्दाख करना चाहता है, तो और मजा आएगा इसमें। तो एक जावा रहेगी, एक बुलेट रहेगी, एक स्कूटी रहेगी, एक भाई की और बुलेट है वो राजस्थान से आने वाला है, तो अब इन सबको फ़ोन लगा के कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ और सबको साथ बैठा के ये समझाता हूँ भाई कि 2022 जून में लद्दाख निकल जाना है। ज़्यादा टाइम नहीं है यार, आधा साल तो निकल गया, वो भी आधा निकल जाएगा, 6 महीने की बात है, इतना अपन थोड़ा इंडिया के अंदर और कोई नई जगह खंगालते हैं और वहाँ पे राइड पे निकलेंगे, है ना, और रैप का भी चल रहा है, जो भी है धीरे धीरे होता रहेगा, कोई बात नहीं। वैसे लोकल ट्रिप तो अपनी चलती रहेगी जैसे आज जो अपनी हुई, तो इसी के साथ आज की ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, मिलते हैं आने वाले ब्लॉग में, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राधे राधे भाई, राधे राधे। फिलहाल पीते हैं लीची और भाई अपनी वीडियो को करते हैं एंड और रेस्ट करते हैं। रोहित चौधरी भाई लद्दाख होने दो एक बार, उसके बाद अगर आपको रिम चाहिए तो मैं दे दूंगा। वैसे एक न्यूज़ और देनी है मुझे, पर उसको न्यूज़ को देने के लिए मैं अपने DSLR में शूट करना चाहता हूँ, कहीं जाऊँगा राइड पे तब मैं आप लोगों को बताऊँगा। अपनी एक शॉप,
अपनी एक दुकान ओपन हो चुकी है, बस उसके अंदर मेरे को प्रोडक्ट्स डालने हैं। दो चार चीजें मेरी स्पेशल ऐसी होंगी कि जिन पे मैं ज्यादा फोकस करने वाला हूँ, जैसे कि हेडलाइट, बुलेट की हेडलाइट LED, उस पे मैं बहुत फोकस करने वाला हूँ अपनी दुकान के अंदर। तो ऑल ओवर इंडिया आप जहां भी बैठे हैं, कम से कम रेट में, होलसेल के रेट में भाई आपके घर तक उस सामान को पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। काम चल रहा है, इतना तक आ गया कि दुकान खुल गई है, तो समझ लो उतना भी हो जाएगा कि दुकान में सामान भी भर जाएगा धीरे धीरे। अभी कोई लिंक नहीं डाल रहा डिस्क्रिप्शन में, धीरे धीरे डालूंगा, उसकी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और राइड के दौरान ही बनाऊंगा। राइड जल्दी से 10-12 तारीख के आसपास राइड अपनी आने वाली है, उसके लिए भी फोन करना है एक लड़के को, करता हूँ। मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।